दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और सड़क का भूत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सड़क का भूत। अरे भगवान, जल्दी चल, ये सुनसान रास्ता और फिर ऊपर से रात होने वाली है, हमें कोई लूट ना ले। तभी जो कुछ तुम्हारे पास है यही रख दो। भूत भागो। भाग गए, ये बक्स छोड़ गए। लोगों को डराने की ये अच्छी तरकीब है। देखूं इस बक्स में क्या है। वाह, ये तो नोटों से भरा है। अगर भूत बनने से इतना पैसा आ जाए तो मैं कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाऊंगा। लुटेरा झगड़ू दूसरे रास्ते को चल देता है। इधर से तो खूब माल हाथ लगा है, देखूं उधर मेरी किस्मत में क्या है। अरे सेठ जमुना दास, मैं तो अपनी पत्नी के लिए शहर से संदूक भरकर जेवर लाया हूं, तुम क्या लाए हो? मैं सेठ हूं सेठ, मैं अपनी पत्नी के लिए कोई मामूली चीज नहीं लाऊंगा, मेरा संदूक हीरो से भरा है। दोनों संदूक यही रख दो। भू भू भूत भागो भागो। सब चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, हमारे इलाके में भूत घुस आया है जो सबका सामान लूट लेता है। भूत भूत कोई चीज नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। चल भाई चंपू, देखें ये कैसा भूत है। भाई मेरे पास तो इस चंपू कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं। जाओ चंपू, जरा भूत को सबक सिखाओ। भौं भौं भौं, मर गए, भागो। झगड़ू अपना लबादा उतार फेंकता है। बचाओ बचाओ, वो भागता भागता थक कर गिरता है। मेरी तौबा, मेरी बाप की तौबा, मुझे इस कुत्ते से बचा लो। पहले वादा करो कि लोगों का जो सामान तूने लूटा है वो वापस करोगे। मैं वायदा करता हूं, अब तो इसे मेरी जान छुड़ाओ। सबको अपना अपना सामान मिल जाता है। चाचा जी धन्यवाद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फैगन का स्टीमर। फैगन, दूरबीन से क्या खोज रहे हो? यहाँ बीच समुद्र में तुम्हें पानी के सिवा और क्या नजर आएगा? गोचा, मुझे समुद्र में पानी के अलावा कुछ और भी नजर आ रहा है, पैसा मिलने की आशा। मैं समुद्र में रास्ता भटक गई हूं। नहीं, तुम ठीक जगह आई हो, नाव को करीब लाओ। गोचा, लड़की को पकड़कर स्टीमर पर लाओ। बॉस, मैंने इसके हाथ बांध दिए हैं। ठीक है, अब तट पर जाकर इसके बाप को फोन कर दे कि 50,000 रुपया देकर इसे छुड़ा ले जाए। कमाई का इससे आसान रास्ता और क्या होगा? ट्रेन ट्रेन, हमारे कब्जे में है तुम्हारी बेटी। फैगन के स्टीमर पर 50,000 रुपये पहुंचा दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी की लाश को जीव जंतु खा जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। उसने अपने स्टीमर पर आदमी की खोपड़ी बने रहने का निशान बताया था। ये लो 50,000, मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारे स्टीमर पर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। धनराम फैगन के स्टीमर पर पहुंचा। ये क्या, तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? जब एक के बदले में 50,000 मिल सकते हैं तो दो के बदले में 1 लाख जरूर मिल जाएगा। गोचा गोचा, तट पर जाकर इस सेठ की बीवी को फोन कर दो और 1 लाख के बदले में इन दोनों को छुड़ाकर ले जाए। जाता हूं। मिसेस धनराज, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी और पति समुद्र में दफन ना हो तो 1 लाख रुपया लेकर फैगन के स्टीमर पर आ जाओ। वो अबला चाचा चौधरी के पास मदद के लिए पहुंची। वे मेरी बेटी और पति को आजाद करने के बदले में 1 लाख मांग रहे हैं। मैं नाव खेना नहीं जानती, पैसे उनके पास कैसे पहुंचाऊं? फिक्र ना करो बहन, ये काम हम कर देंगे। चल भाई साबू, फैगन से मुकाबला कर आए। फैगन, 1 लाख ले आया हूं, घनराम और उसकी बेटी को छोड़ दो। स्टीमर पर आकर रुपया दो और बंदियों को ले जाओ। नहीं, अगर तुमने मुझे मुझे बंदी बना लिया और फिरौती की रकम और बढ़ा दी तो पहले बंदी रिहा करो, यह आदमी चालाक लगता है। ठीक है, इन्हें इस नाव तक जाने दो। ठीक है बॉस, संभल कर जाओ, संभल कर आओ। फैगन, ये लो 1 लाख, गिन कर देख लो।
धोखा बॉस, इस कपड़े में तो रद्दी के कागज बंधे हैं। धाए धाए धप धप, वो हमारा पीछा कर रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। फिक्र ना करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। है? स्टीमर अचानक रुक क्यों गया? स्टीमर को किसी भी कीमत पर चलाओ। मैं कोशिश कर ली, ये टस से मस नहीं हो रहा। बाप रे, उसने स्टीमर को पकड़ रखा है। गोलियां चलाओ, पिस्तौल में गोली नहीं बची। फिक्र ना करो, पुलिस चौकी तट के पास ही है, आओ चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी। डिप्पी, तुमने 2-in-1 में कैसेट क्यों डाला? जब चाचा और चाची की नोक झोंक होगी तो वो टेप में रिकॉर्ड हो जाएगी, उसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। डम डम ढेचू ढेचू, कल्लू धोबी का गधा चाचा चौधरी के घर के आगे क्यों रेक रहा है? वो इस तरह से लोगों को सूचित करता है कि जिसने जिसने कपड़े धुलाई के लिए देने हैं दे दे, मगर सब गुड़ गोबर हो गया। ये आवाजें टेप में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चाचा जी तो बाहर से लौट कर आ रहे हैं। मैंने आपके घर में 2-in-1 ऑन करके रखा है, उसमें गधे का रेंकना रिकॉर्ड हो रहा है। जाकर टेप को स्टॉप करना चाहिए। ठेचू ठेचू, मैंने कैसे निकाल लिया है। पॉप स्टार मुकुल जैकिसन, हुआ बुआ। रुक्मणी, एस्पिरिन की गोली दो, पड़ोसी के गाने से सिर दर्द होने लगा। जैकिसन साहब, आपका गाना रिकॉर्ड हो गया, ये रहा टेप। म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर ने इसे जल्दी मांगा था, मैं खुद जाकर इसे डायरेक्टर को दे आऊं। चाचा चौधरी का घर रास्ते में पड़ा है, उनका आशीर्वाद लिए बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? दंडवत प्रणाम करते समय हाथ खाली होने चाहिए। अपना टेप मेज पर रख देता हूँ। चाचा जी प्रणाम, तुम्हारे कैसेट खूब धूम मचाए, गजब हो गया। वो भूल से अपना कैसेट यहाँ छोड़ गया और हमारा ले गया। डायरेक्टर साहब, लीजिए मेरा नया कैसेट, चलता हूं, एक जगह स्टेज शो है। बाकी लो, मुकुल जैक्सन का टेप बजाओ। ढेचू ढेचू, ओ इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। जैकिसन, गलत नहीं हो सकता, ये पॉप म्यूजिक की कोई नई धुन होगी। एक सप्ताह बाद, जैकिसन, तुम्हारे 2 लाख कैसेट बिक चुके हैं, ये लो अपना चेक। ये सब चाचा चौधरी के आशीर्वाद का परिणाम है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दूसरे ग्रह से। चाचा जी देखो, वो कौन सी चीज है? ये वस्तु पृथ्वी की नहीं लगती, जरूर ये किसी दूसरे ग्रह से आई लगती है। नीचे उतरने पर हमारे यंत्र बता रहे थे कि जिस व्यक्ति की हमें तलाश है वो कहीं आसपास ही है। वो रहा जिसकी तलाश में हम करोड़ों मील दूर से आए हैं। खींच लो इसे सूर्य किरणों के अस्त्र से। सूर्य किरणों के अस्त्र प्रयोग से दोनों खींचे चले जाते हैं। चाचा चौधरी के सिर पर एक यंत्र फिट कर दिया गया है। यंत्र की सुई बताती है कि ये व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। ये व्यक्ति जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। इसकी दिलेरी की नस भी बड़ी मजबूत है, अतः ये बड़े से बड़े जोखिम भी उठा सकता है। चलो उठो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? अंतरिक्ष में, अपने ग्रह पर जो करोड़ों मील दूर है। वहां पर हमारे वैज्ञानिक तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े करके उसका अध्ययन करेंगे। फिर कोई तुम्हारे जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले दिमाग बनाएंगे और हमारे ग्रह के सारे लोगों के सिरों में फिट कर देंगे। तब हमारी जनता भी तेज दिमाग वाली हो जाएगी। मच्छरों, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं अभी वे साबु पर भी सूर्य किरणों के अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ओह, दर्द से मैं मर रहा हूं। तुम साबु को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। साबु उनके सूर्य किरणों के अस्त्रों के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं, इसलिए मौके की तलाश में रहो। चलिए, तभी एक का ध्यान लाठी पर गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरा भीमसेनी लठ, मेरा हथियार है। हथियार? क्या ये भी सूर्य शक्ति से चलता है? नहीं, ये आदमी की अपनी शक्ति से चलता है। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब अस्त्र है, जरा चलाकर तो दिखाओ। दिखाता हूं, जरा करीब आ जाओ। और उनके करीब जाते ही
ताड़। ओ हाय। देखा लटका कमाल, अब तुम्हारी शक्ति साधारण आदमी जितनी रह गई है। बाप रे, भागो यहां से। अब तुम भागकर नहीं जा सकते, रहम करो, हमें छोड़ दो, हम चुपचाप अपने ग्रह लौट जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ज्वालामुखी। चाचा चौधरी और साबू एक एक बार पहाड़ पर घूमने के लिए गए। चाचा जी, ये जगह तो स्वर्ग है। हाँ सचमुच, यहाँ के दृश्य बड़े मनमोहक हैं। लो साबू, इस दूरबीन से तुम भी यहाँ के सुंदर दृश्य देखो। चाचा चौधरी, मेरी आंखें इतनी तेज है कि मैं मीलों तक बिना दूरबीन के देख सकता हूँ। अच्छा तो बताओ उस तरफ क्या है? साबू अपनी तेज निगाहें दूर फेंकता है। दूर पहाड़ की तलहटी में कुछ बच्चे बड़े उत्साह से खेल रहे हैं, शायद आसपास की आबादी वाले इलाके से आए होंगे। अच्छा जरा मैं भी देखूं उन बच्चों को। दूरबीन का दृश्य, फूल बनी कलियां खिलकर, आओ खेले हम सब मिलकर। वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तभी ओह, ये क्या, मेरे पैरों तले की जमीन खिसक रही है। वो देखो, ज्वालामुखी फट रहा है, सारे बच्चे मर जाएंगे। साबू भाग कर जाओ और उन बच्चों को बचाओ, बचाओ, बचाओ। साबू तेज रफ्तार से बच्चों की तरह लपकता है। बचाओ, बचाओ, बच्चों जल्दी मेरे पास आ जाओ। ज्वालामुखी फटता है, बड़े बड़े गर्म पत्थर गिरते हैं। मेरी आड़ में छिप जाओ, मैं तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे जान से हाथ धोनी पड़े। ओह, इतने बड़े पत्थर, ना जाने उन बच्चों और साबू का क्या हाल होगा। जब ज्वालामुखी शांत होता है, साबू, साबू, देखो जिसने हमें बचाया वो खुद कितना जख्मी हो गया है। चाचा जी, मैंने सब बच्चों को बचा लिया, शाबाश, लेकिन तुम्हें काफी चोटें आई हैं। घर चल, चाची तुम्हें घी में घोलकर हल्दी लगा देगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खूंखार गोरीला। शहर में एक सर्कस कंपनी आई हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह कमाल कर दिया। भाइयों, अब हम आपको एक खूंखार गोरीले को दिखाएंगे। इतना बड़ा गोरीला आपने पहले नहीं देखा होगा। शाबाश भोलू, नाचो। सुना नहीं, मैं कहता हूं नाचो। गोरीला खड़ा रहा। नहीं नाचते? ठहरो, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। नाचो वरना मैं तुम्हें जिंदा ही जला डालूंगा। भोलू भड़क उठता है। वो देखो, गोरीले ने पिंजरे की सलाखें टेढ़ी कर दी। गोरीला छूट भागा, उसने अपने ट्रेनर को कुचल दिया। हाय, भागो, जान बचाओ। इधर से चाचा चौधरी गुजर रहा था। क्यों भाई, भाग क्यों रहे हो? सर्कस से गोरीला छूट गया। हाय, मेरा बच्चा अंदर है, उसे बचाओ। फिक्र ना करो, उसका बाल भी बाका ना होगा। साबू, गोरीले को पकड़कर फिर से पिंजरे में बंद कर दो। अंदर जाकर, ये मुझ पर हमला करने आ रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। माँ, माँ, मेरा यह हाथ इसे थोड़ी देर तक बेहोश करने के लिए काफी है। खटाक, ये टेढ़ी सलाखें भी मुझे ही सीधी करनी पड़ेंगी। मेरा बच्चा, सर्कस का मैनेजर आता है। चाचा जी धन्यवाद, ज्यादा नुकसान करने से पहले आपको आपके साबू ने उसे काबू में कर लिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है म्यूजियम में चोरी। मल्टू और पलटू दो चोर एक रात शहर के एक बड़े म्यूजियम में घुस गए। चुपचाप चले आओ, कहीं कोई आवाज ना होने पाए। वाह, ये देखो, शहंशाह अकबर और जहांगीर के जमाने की असरफियों से पेटियां भरी पड़ी है। ये करोड़ों में बिकेंगी, इन्हें बेचकर हम बाकी जिंदगी आराम से बिताएंगे। पर इतने बड़े बक्से चौकीदार हमें कैसे ले जाने देगा? वो सुबह से पहले नहीं उठेगा, मैंने उसे एक नशीली दवाई सुंघा दी है। मल्टू, जल्दी असरफियों के बक्से ट्रक में रखो, 5 मिनट में सारी पेटियां ट्रक में लग जाएंगी। और असरफियों को ट्रक में रखकर दोनों फरार हो जाते हैं। आज से हम करोड़पति हो गए, हम क्या, हमारे आने वाले भी रईसजादे कहलाएंगे।
दूसरे दिन सुबह म्यूजियम का मैनेजर आता है। सोने की सर्पियों की सारी पेटियां गायब है, जरूर चोर उन्हें ट्रक में लाद कर ले गए होंगे। वे असरपिया राष्ट्रीय संपत्ति थी, यदि चोर उन्हें हड़पने में कामयाब हो गए तो बहुत बुरा होगा। मुझे चाचा चौधरी की मदद लेनी चाहिए। मैनेजर चाचा चौधरी को सारा हाल सुनाता है। भाई साहब, चोर असरपियों का ट्रक म्यूजियम से भरकर ले गए हैं, ट्रक अब वापस लाओ। ठहरो चाचा जी, पहले मैं चाय तो पी लूं। अजीब आदमी हो, इतना भी नहीं समझते कि जितनी देर करोगे वो ट्रक भी उतना ही दूर निकल जाएगा। आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? आपको सर्पियों से भरा अपना ट्रक चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा। चलिए पहले तो आप मुझे वो म्यूजियम दिखाइए जहां से चोरी हुई है। ये रहा वो म्यूजियम, पर ये कैसे पता चलेगा कि ट्रक गया किस तरफ है? बेवकूफ, ये देख ट्रक के टायरों के निशान, बस समझ ले ट्रक उधर ही गया है, अब भागो। ठीक है मैं चला। साबू एक एक फरलांग के कदम भरता हुआ तेजी से भागता है। थोड़ी ही देर में, अरे पलटू, पहाड़ जैसा आदमी हमारा पीछा कर रहा है, स्पीड बढ़ाओ, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। अरे बाप रे, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? वापस म्यूजियम की तरफ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिस्टर एक्स एक्स, एक विदेशी जासूस। आज 25 जनवरी है, कल यहाँ गणतंत्र दिवस मना जाएगा। आज 25 जनवरी है, कल यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। यहाँ राजपथ पर लाखों लोग इकट्ठे होंगे, झाड़ियों में बम छिपा दिया जाए तो भीड़ में से किसी का भी पांव पड़ने से बम फटेगा और दर्जनों लोग चीत हो जाएंगे। मगर मेरा साथी एक्स एक्स कहाँ है? उसे बम लेकर अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मिस्टर एक्स एक्स, अरे भाई जल्दी से राजपथ ले चलो, टैक्सी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वासाओ, काला चश्मा हटा के देखो, टायर पंक्चर है। तुसी, अगर जल्दी राजपथ पहुंचना है तो चाचा चौधरी तुआनी पहुंचा देख देवागा। मुझे जल्दी राजपथ पहुंचना है, टैक्सी वाला कहता है कि तुम पहुंचा सकते हो। अरे वाह, पिस्तौल दिखाते हो और काम भी करवाना चाहते हो? मेरे पास पिस्तौल ही नहीं बम भी है, इस कपड़े में लिपटा हुआ। यदि मुझे राजपथ जल्दी ना पहुंचाया तो दोनों को इससे उड़ा दूंगा। साबू इसे जल्दी वहां पहुंचाओ। किस फॉर्मूले से? फॉर्मूला नंबर 99। वो क्या होता है? ये किक और राजपथ। ओ बड़ा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टीन का पुतला। अरे पलटू, ये क्या टीन का पुतला बनाया है? ये है साबू की मौत। अरे बड़े बड़े 30 मार खा उसका बाल बांका नहीं कर सके, ये पुतला क्या कर लेगा? खटकू, इसे मामले पुतला ना समझ, जरा इसे छूकर तो देख। खटकू, जो ही पुतले को छूता है उसे जोर की बिजली का करंट लगता है। देखा पुतले का कमाल, अगर मैं दौड़कर स्विच बंद ना करता तो तुम मिट्टी का ढेर हो गए होते। इस तार के जरिए टीन के पुतले में हाई पावर करंट छोड़ा गया है, साबु इसे जो ही हाथ लगाएगा चिपक कर वहीं मर जाएगा। मैं करंट दोबारा चालू करता हूँ। साबु, लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है, आप यूं ही सख्ती स्वभाव के हो गए हैं। मैंने बिजली का स्विच चालू कर दिया है। लो उधर साबू भी चाचा चौधरी के साथ आ रहा है, आओ उसे लड़ने के लिए उकसाते हैं। अरे ओ लंबू, बड़ा बहादुर बना फिरता है, जरा इस पुतले के साथ दो दो हाथ करके दिखाओ तो जाने। अरे मच्छरों, मुझे ललकारते हो, अभी तुम्हारे पुतले को तोड़ मरोड़ कर ढेर में मिलाता हूं। मेरा शक सही निकला, मैं इस पलटू के बच्चे ने जरूर कोई जाल बिछाया है। साबू ठहरो, पुत्ते के पास तलवार है, तुम मुकाबले के लिए मेरी लठ ही ले लो। ठीक है चाचा जी। साबू लठ पुतले की कमर पर रखता है, ये पलटू मेरी ताकत आजमाना चाहता है, इसलिए तू कूढ़े के ढेर पर जाने के लिए तैयार हो जा। एक दो और ये तीन, तड़ाक। लठ का भरपूर हाथ पड़ते ही पुतला आसमान में उछल गया, छिटक कर तार का दूसरा सिरा पलटू के सिर पर जा गिरा और पलटू वहीं सुन हो गया। चाचा चौधरी दौड़कर बिजली का स्विच बंद कर देते हैं।
चाचा जी, पलटू के बच्चे ने तो सचमुच भयंकर षड्यंत्र रचा था। हाँ, तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे हाथ में लकड़ी का लट था और लकड़ी में बिजली का करंट नहीं आता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लकड़ी का लट्ठा। चाचा जी, मेरा मकान बन रहा है, ये लकड़ी का लट्ठ मुझे वहां ले जाना है। बनवारी लाल, घबराओ नहीं, ये लट्ठा साबु उठाकर तुम्हारे मकान पर पहुंचा देगा। आप जाइए, इसको मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। तब तक मैं दूसरे सामान का इंतजाम करता हूँ। साबू, चलो, मैंने वो जगह देखी है जहां बनवारी लाल का घर बन रहा है। गब्बर सिंह, एक खुशखबरी लाया हूँ, मैंने चाचा चौधरी और साबू को इधर आते हुए देखा है। धमाका सिंह, तब उनकी मौत आज निश्चित है। देखो, मैंने उस टीले पर डायनामाइट लगा रखा है, विस्फोट करने के लिए मैं इधर विस्फोट करने के लिए मैं इधर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता हूँ। कड़म, अब वैसा ही डायनामाइट मैं इस पुल पर लगाता हूँ। वे दोनों इस पर से होकर के गुजरेंगे और पुल के साथ ही उनकी धजियां उड़ जाएंगी। चाचा जी, आप किधर जा रहे हैं? बनवारी लाल के यहाँ पहुंचने के लिए हमें इस पुल पर से होकर गुजरना है। साबु, मेरी नाक में खुजली हो रही है, जो इस बात की द्योतक है कि आगे पुल पर खतरा है। चाचा जी, पुल का रास्ता शॉर्टकट है, मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। चलो, तुम कहते हो तो पुल पर से ही चलते हैं। चाचा चौधरी, तुम मेरे जाल में फंस गए। पुल पर मैंने पावरफुल डायनामाइट लगा रखा है, रिमोट कंट्रोल से मैं विस्फोट करने जा रहा हूँ। पुल के साथ तुम्हारे और साबू के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। आज तुम्हारा कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग भी तुम्हें नहीं बचा सकता। गोबर सिंह, तुम हमारे दुश्मन हो, बनवाली लाल के तो नहीं। उसके मकान के लिए ये लट्ठा चाहिए, इसे वहां पहुंचा देने दो, फिर जो भी जी में आए वो करना। चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ये लकड़ी का लट्ठा हमें ट्रक पर लाद कर हम ट्रक पर लाद कर बनवाली लाल के यहाँ पहुंचा देंगे। इसे इधर फेंक दो और तुम दोनों अपनी जगह से ना हिलना। ये लो, थर, बचाओ। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुब्बारे की सैर। वाह, उड़ने वाला गुब्बारा, इसमें बैठकर आसमान की सैर करने का एक अपना ही आनंद होता है। बचपन से ही मेरी तमन्ना रही है कि मैं पक्षी की तरह आसमान में उड़ूं। तो फिर चलो, आज तुम्हें इस गुब्बारे में बैठकर सैर करा लाते हैं। किराया बिल्कुल मुफ्त। अजी, क्यों मजाक कर रहे हो? खच्चू का काम जनता की सेवा करना है। आओ, गुब्बारा उड़ने वाला है, खूंटी खूंटी से रस्सी खोल दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खच्चू, आज तुमने मेरे वर्षों की इच्छा पूरी कर दी है। नीचे देखकर कितना रोमांचक लग रहा है। इमारतों, ट्रक, पेड़, सड़कें और आदमी सब छोटे नजर आ रहे हैं। हम जमीन से 1,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। अच्छा, काफी सैर हो गई, अब तुम मेरे गुब्बारे से नीचे उतर जाओ। क्या, इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदूंगा तो मरना जाऊंगा? अगर तुम सही सलामत जमीन पर उतरना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। मेरे पास इस वक्त 1,000 रुपए हैं, ये ले लो और मेहरबानी करके मुझे जमीन पर उतार दो। तुम अकलमंद आदमी हो, सुरक्षित जमीन पर आ गए। जाओ, अपने घर की राह पर चले जाओ। रघुनंदन, मुंह लटका क्यों चले आ रहे हो? चाचा जी, गुब्बारे में बैठकर आसमान की सैर करके आ रहा हूं, तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मगर गुब्बारे वाले खच्चू ने मुझसे 1,000 रुपए छीन लिए, तब तो वो दूसरों के साथ भी वही सलूक करेगा। मुझे कुछ करना चाहिए। आओ, मेरे उड़ने वाले गुब्बारे में बैठकर आसमान के नजारे देख लो। कोई किराया नहीं भाई, मैं बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा हूँ, लौटते वक्त तुम्हारे गुब्बारे में बैठूंगा। बैंक बाद में चला जाना, गुब्बारा उड़ने वाला है। ठीक है, मैं आता हूँ। कहो, कैसा लग रहा है? वाह, क्या लाजवाब दृश्य है। नीचे कूदो, मैं समझा नहीं, यहाँ तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं। जान की सलामती चाहते हो तो अपना नोटों से भरा बैग मुझे दे दो। आग कहाँ? यहां तड़ाक। अब तुम नीचे कूदो। रहम, एक शर्त पर तुम भविष्य एक शर्त पर तुम
तुम भविष्य में लोगों को नहीं लूटोगे, मैं वादा करता हूं। गुब्बारा नीचे उतारो, ये रहे तुम्हारे रुपए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये क्या हो गया। जय गुरु गुरु घंटाल, मेरी समस्या सुलझाओ। मुसीबत हो पटना या रुड़की में, गुरु समस्या सुलझाए चुटकी में। जब मैं चाचा चौधरी को छकाना चाहता हूं, निराशा हाथ लगती है। आमना सामना होते ही मेरे पसीने छूटने लगते हैं। तो बेटा खच्चू, तुम चाचा चौधरी के सामने जाते ही क्यों हो? पीछे से जाकर डंडा जमाओ। मगर गुरुजी, उसमें भी खतरा है। अगर चाचा चौधरी ने पलट कर देख लिया तो पीछे से वार करता है, उसे वो दुगुनी सजा देता है। तो फिर किसी बकरे को पटाओ, वो पीछे से जाकर उसे लंठी मारे, पकड़ा गया तो वो मारने वाला पीटेगा। तुम दूर खड़े होकर तमाशा देखना। वाह गुरुजी, अब किसी बेवकूफ को पटाना चाहिए। अरे गन्नू, तू ठीक मौके पर मिल गया। चाचा चौधरी कल तुझे बड़ी गालियां दे रहा था कि गन्नू जैसा निकम्मा आदमी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसने ऐसा कहा? यही नहीं, वो कह रहा था कि गन्नू अपनी लाठी को फिजूल में ही तेल पिलाता रहता है। लाठी का इस्तेमाल करना तो उसे आता ही नहीं। लो, नाम लिया और वो जा रहा है चाचा चौधरी। मैं उसे आज ही अपनी लाठी का इस्तेमाल दिखा देता हूँ। आज मेरी लाठी भी किसी पर वार करने के लिए मचल रही थी। छपाक! गन्नू, ये 100 रुपये रखो। चाचा जी, मैंने पीछे से आपकी कमर पर लाठी मारी और आप मुझे इनाम दे रहे हैं? बहुत दिनों से मुझे कमर का दर्द हो रहा था। बड़ा इलाज कराया डॉक्टर से, मगर दर्द था कि जाने का नाम ही नहीं लेता था। मगर दर्द था कि जाने का नाम ही नहीं लेता था। तुम्हारी लाठी पड़ते ही कमर का दर्द ठीक हो गया, मैं फिर मात खा गया। अरे साबू, मैंने तुझे ढूंढने निकला था, कहाँ कहाँ रहा इतनी देर तक? मैं व्यायाम करने निकला था, जगन किसान के बैल बीमार पड़ गए बेचारे को, आज खेत में हल चलाना था सो मुंह लटकाए बैठा था। मैं वहां पहुंच गया और बैलों की जगह हल के आगे खुद जुत गया, और जगन किसान खुश हो गया। अब घर चलें, वहां कुछ खाने को मिलेगा। ये समय तुम्हारी चाची के रामायण पढ़ने का है, जब तक वो 8-10 पृष्ठ नहीं पढ़ लेती रसोई में नहीं आएगी। 56, चाचा चौधरी और साबू बाहर गए हैं, क्यों ना पीछे से उनके घर में चोरी की जाए। गप्पन, आगे के दरवाजे से तो हम घुसने से रहें, सामने चाची बैठी रामायण पढ़ रही है। तो पीछे की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। जब तक वो रामायण खत्म करेंगी, हम घर का सामान लपेट कर 9 to 11 हो जाएंगे। धत तेरी की, पीछे की खिड़की बंद है। कहते हैं जहां चाह वहां रहा, वो छत पर रसोई का धुआं निकलने की चिमनी है, उसमें घुसकर हम रसोई तक पहुंच सकते हैं, और ये सीढ़ी भी पास ही मिल गई। बस तुम सीढ़ी पकड़े रहना, मैं चाचा चौधरी की रसोई के सारे बर्तन समेटकर अभी आया। साबू, मुझे चाय बनानी आती है, क्योंकि उसे बनाना आसान है। अगर तुम्हारी चाची ने रामायण खत्म नहीं की होगी तो मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दूंगा। रघुकुल रति सदा चली आई। चाचा जी, मैं चाय का इंतजार कर रहा हूँ। ये चिमनी इतनी खुली है कि मुझ जैसा मोटा आदमी भी इसके अंदर आसानी से जा सकता है। लकड़ी सूखी है, चूल्हे में आग जलाना मुश्किल नहीं होगा। आग जल गई, कम से कम पानी के ऐसे 4 पतीले उबालने पड़ेंगे, तब जाकर साबू की एक चाय बनेगी। ओह, धुआं! बचाओ बचाओ! अरे ये कैसी आवाज? चाची, लगता है पीछे कोई है। अरे बाप रे, साबू भागो! जानते हो पुलिस चोरों के साथ क्या सलूक करती है? उनका मुंह काला करके शहर में घुमाती है, पर मेरा मुंह धुएं से पहले ही काला हो गया है। साबू, उसको पहले अपना मुंह धोने का मौका दो, तब इसे पुलिस के हवाले करना। ठीक है, जाओ मुंह धो कर आओ। छपाक! स्विमिंग पूल। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो
तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।